हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। फटाफट हम लोग देख लेते हैं आज के हमारे कुछ क्या क्या आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। तो अगर आज के 21 मई के लिए देखें कि क्या कुछ आर्टिकल्स हैं, तो हमारे मैक्सिमम आर्टिकल्स कोरोना वायरस को ही लेकर के थे। इसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल है जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को दिखा रहे हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में निकला हुआ है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के भी बारे में बताया गया है कि क्या कुछ ये इस लॉकडाउन के बाद जैसे ही मार्केट ओपन होती है या मार्केट को अपलिफ्ट करने के लिए जो स्कीम निकाली गई है उसमें क्या कुछ किया जा सकता है। तो उसके लिए हमारी एक स्कीम है रिलीफ एंड रिफॉर्म। ये राजीव कुमार जो हमारे वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उनको वाइस चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो द हिंदू में आर्टिकल आया हुआ है उसके बारे में है। फिर इसी तरीके से चाइना के बारे में दिया गया है कि हाउ इट इज वेल प्रिपेयर्ड देन इंडिया फॉर द पोस्ट कोविड वॉर, और ये एम के नारायण के द्वारा लिखा गया है, द हिंदू का आर्टिकल है। सिमिलरली हाउ पब्लिक हेल्थ बूस्ट एंड इकॉनमी, ये के श्रीनाथ रेड्डी के द्वारा लिखा हुआ द हिंदू का आर्टिकल है। और बाकी सार्स के लिए करके एक सेपरेट आर्टिकल, उसको हम लोग सेपरेट डिस्कस करने होंगे अलग से एक वीडियो में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन फटाफट। सबसे पहले आर्टिकल हम लोग देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, जो कि एक्सप्लेन में निकला हुआ है, जहां पर नीलेश शाह के द्वारा एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। इंटरव्यू में अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कशन किया गया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऑन द इंपैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड हाउ टू रिकवर वंस अ वैक्सीन इज डेवलप्ड। सबसे पहले ये क्वेश्चन में है कि अगर मान लीजिए कि वैक्सीन डेवलप हो जाती है और नहीं भी होती है, तो उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क हमें देखने को मिल रहा है। हमारे जो नीलेश साहब हैं उनका कहना है कि देखिए, आज का जो टाइम है वो काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में ये एक ग्लोबल क्राइसिस के रूप में निकल करके सामने आया है। ये क्राइसिस ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 था उससे भी बहुत बड़ी है, इनफैक्ट 2008 से भी काफी ज्यादा भयावह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। ना सिर्फ IMF बल्कि वर्ल्ड बैंक के सारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये सारे भी यही बोल रहे हैं कि इस समय इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है और वो ग्लोबल रिसेशन की तरफ हमें लेकर के जाएगी। इस सिचुएशन को इंडिया में देखने के लिए हमारे राइटर बोलते हैं कि अगर हम इंडिया की इकोनॉमी को देखते हैं तो नियरली $3 trillion की इकोनॉमी हमारी, मतलब की GDP है। 47 days का शटडाउन होने के बाद में 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को केवल हम लोग कंसिडर करें, 50% का मतलब केवल और केवल 50% ही हम लोग यूज कर रहे हैं अपनी जो भी चीजें हैं, तो इस यूज के बाद हमारी लगभग 190 billion dollar का लॉस हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया नहीं है। इसके अलावा कुछ फायदे भी हो सकते हैं, जैसे हमारी अगर लॉकडाउन हो रखी है तो हमारी ऑयल की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई है, तो उसमें 40-45 billion dollar का हमें मान लीजिए फायदा हो रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग वापस से रीस्टार्ट करेंगे, जब भी अपनी इकॉनमी इंडस्ट्री को जब भी हम रीस्टार्ट करेंगे, तो हमें कुछ कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा। इन सारे कैलकुलेशन को अगर हम लोग एक ओवरऑल तरीके से देखें, एक सरफेशियल तरीके से देखें, तो नियरली $130 billion का हमें लॉस हो जा रहा होता है, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ रीस्टार्टिंग, मतलब कि इकॉनमी को वापस रीस्टार्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इस तरीके से हमें काफी बड़ा एक नुकसान हमें देखने को मिल रहा है अगर हम देखते हैं तो। नाउ मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट विल बी कि आखिर में इस पूरी इकॉनमी को हम रिवाइव करें कैसे, कैसे इसको वापस से पटरी पे लेकर के आए। तो हमारे राइटर का कहना है कि देखिए, देयर आर थ्री वेज, तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, हम बाहर से एक इकॉनमी को इन्फ्यूज करें, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर के आए। दूसरा तरीका हो सकता है फिस्कल स्टिमुलस का, मतलब कि फिस्कल स्टिमुलस का मतलब ये हो गया है कि एक तरीके से फाइनेंशियल इंजेक्शन देना इकॉनमी को बाय द गवर्नमेंट, वो एक फिस्कल बेनिफिट के तरीके से, जैसे कुछ रेवेन्यू में फायदा करा दीजिए, कुछ कैपिटल में फायदा करा दीजिए, जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करा दीजिए, इनकम जो है उसको बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से एक फिजिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ में मॉनेटरी स्टिमुलस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। मॉनेटरी स्टिमुलस ये RBI प्रोवाइड कर रही होती है। इनफैक्ट अगर आपको इकॉनमी के बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया दिया जाए, तो हमारी इकॉनमी कुछ इस तरीके से होती है, ये होती है हमारी इकॉनमी, और बाहर से हमारी एक होती है जो होती है RBI। ये RBI इस इकॉनमी को बाहर से वॉच ओवर कर रही होती है, अगर कोई जरूरत होती है तो अकॉर्डिंगली वो पैसा इन्फ्यूज कर देती है, या फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो इस तरीके से बढ़ा दे रही होती है। एक और तरीका होता है इंजेक्शन करने का, और वो होती है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इस तरीके से इकॉनमी को
वापस से रिवाइव करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया जा रहा होता है। तो यहां पर कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात कही जाती है। आरबीआई जो पॉलिसी लेके आती है उस पॉलिसी को बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी, और जो इकोनॉमी के अंदर में गवर्नमेंट बैठी हुई है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी निकालती है उसको बोलते हैं हम लोग फिस्कल पॉलिसी, और यही फिस्कल पॉलिसी के थ्रू एक फिस्कल स्टिमुलस लाने की बात हमारे राइटर कह रहे हैं। अगर वन बाय वन करके सबको देखें कि क्या कुछ है हमारे पास, तो यहां पर देखिए गवर्नमेंट मतलब कि जो राइटर है वो कहते हैं कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि वेदर द प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज ऑफ सेल्फ रिलायंस मींस रिवर्सिंग इंडिया जर्नी फॉर लिबरलाइजिंग इंपोर्ट। यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि जो आत्मनिर्भर वाली जो बात है उसमें कहां तक इंडिया जो होती है अपने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है अपने एक्सपोर्ट के साथ में। यहां पर हमारे राइटर कहते हैं कि देखिए हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं, इनफैक्ट कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हम अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकते हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर किए जा रहे हैं। जैसे नंबर ऑफ तरीके हैं, इसमें सबसे पहले हमारे जो राइटर है उनका ये बिल्कुल भी कहना नहीं है कि अगर कल को BMW हमारे यहाँ आती थी या डिफेंस के इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ आते थे तो हम उनको बंद कर दें, हम उनको नहीं आने देंगे और हम लोग अपनी मारुति ही केवल चला रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइटर का हमारे कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हम जबरदस्ती का इंपोर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिवाली का मौसम आया हुआ है मान लेते हैं, तो दिवाली चाइनीज बल्ब आ रही है जबकि वहां पर इंडियन बल्ब भी आ सकती है। इंडियन हैज द कैपेसिटी, अल्टीमेटली जो चाइनीज बल्ब आती है उसको सही करने वाले हमारे इंडियन ही है इलेक्ट्रीशियंस। तो इन जगहों पर ऐसी ये जगहें हैं जहां पर इंडियन प्रोडक्ट को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे एप्पल वगैरह प्रोडक्ट हो गए जो केवल और केवल बाहर से ही हमें ले आने पड़ेंगे। तो यहां पर हमारे राइटर का बिल्कुल नहीं कहना है कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट ओनली एट दोज प्लेसेस विच आर इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से यहां पर बोला गया है पहली चीज। दूसरी चीज बोला गया कि देखिए यहां पर कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जहां पर इंडिया अपना पोटेंशियल दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉटन, कॉटन के केस में जैसे चाइना और इंडिया ये दोनों के दोनों लीडिंग प्लेयर है, चाइना टॉप नंबर पे आता है और जबकि इंडिया जो होती है वो सेकेंड नंबर पे आ रही होती है। लेकिन अगर प्रोडक्शन वाइज बात किया जाए मतलब फैब्रिक वाइज बात किया जाए तो बावजूद इनके इंडिया की कॉटन का एक काफी लीडिंग प्रोड्यूसर है फिर भी बांग्लादेश जो है वो काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा होता है। मतलब इनफैक्ट कहता है कि कंट्री लाइक बांग्लादेश हैज 3 times मोर गारमेंट एक्सपोर्ट देन इंडिया डिस्पाइट देम नॉट ग्रोइंग मच कॉटन और डिस्पाइट देम नॉट हैविंग मच यार्न कैपेसिटी। तो ये कुछ जगह है जहां पर इंडिया रिप्लेस कर सकता है इन सारे कंट्रीज को और इनफैक्ट अपना एक्सपोर्ट काफी अच्छा बढ़ा सकता है। रीजन इसका अच्छा खासा हमारे पास टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज भी हैं, कॉटन कल्टीवेशन भी है और ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज भी है। तो हमारे पास काफी अच्छा एक मौका है जहां पर हम इस चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट को अपने कम कर सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग ऐसे सिचुएशन में आए क्यों, क्यों इतने हम पुअर पोजिशन में है। यहां पर हमारे राइटर का कहना है कि देखिए चाइना में जो वुमेन है वो 2 shifts में काम कर रही होती है 12 hours, मतलब कि डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों में काम कर रही होती है, जबकि हमारे यहाँ क्या है हमारे यहाँ 8 बजे के बाद महिलाओं का काम करना कह दीजिए कि नहीं कर रही होती हैं। तो हमें वी नीड टू चेंज सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। इनफैक्ट इन आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट ने यही कहा भी है कि नाउ वुमेन कैन ऑल्सो वर्क इन नाइट शिफ्ट, अकॉर्डिंगली लॉज बनाए जाएंगे और जो भी रेगुलेशंस करनी है वो की जाएंगी। तो ये कुछ तरीके थे जहां पर हम अपनी आधी वर्क फोर्स को हम लोग अपने हाफ शिफ्ट में बिल्कुल कटआउट कर दे रहे हैं जबकि हम उनको यूज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन लेवल को और बढ़ा सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को और बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर ये गवर्नमेंट ने कहा है। दूसरा जो राइटर एक काफी अच्छा सजेशन दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं देखिए इस समय चाइना को लेकर के पूरा वर्ल्ड सस्पिशियस में है कि चाइना क्या कर दे क्या ना करे, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। तो यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि देखिए जितनी भी MNCs है या जितने भी प्रोडक्शन हाउस ऑफ MNCs है वो सारे अब एक अल्टरनेटिव खोज रहे हैं और इंडिया एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि इंडिया के पास अच्छा खासा मार्केट है, इंडिया के पास अच्छा खासा लेबर फोर्स है और इंडिया एक डेवलपिंग नेशन भी है तो वो अपने अंदर में आने भी देगा। तो इस वजह से अब हमें करना क्या होगा कि अब हमें वर्ल्ड को एक अट्रैक्शन देना पड़ेगा। इनफैक्ट आफ्टर दिस नोवेल कोरोना वायरस वी आर बीइंग कंसीडर्ड पॉजिटिवली एज वी हैव सप्लाइड हाइड्रोक्सीक्विनोन मेडिसिन टू द वर्ल्ड, और इस तरीके से हम लोग एक अच्छा खासा वर्ल्ड में बन भी सकते हैं। और इनफैक्ट अगर भगवान चाहेगा तो हम जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है ये अपने आप को रेडी कर रखिए कि जब भी कोरोना वायरस का जब भी
एंटीडोट खोज लिया जाएगा, हम तुरंत तुरंत प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे विदाउट एनी डिले और हम मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया कैन ऑल्सो बिकम अ लीडर इन द कोरोना वायरस वैक्सीन। इसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइटर से कि वेदर एमएसएमई आर प्रिपेयर टू कैटर द नीड ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर हायर अप इन द वैल्यू चेन। कि एमएसएमई को जो भी बूस्ट दिया गया है, जो भी एक कह लीजिए कि फाइनेंशियल तरीके से एक सब्सिस्टेंस दिया गया है, तो उससे क्या किया जा सकता है। राइटर का कहना है कि देखिए काफी अच्छा हो रखा है। इनफैक्ट राइटर जो है थोड़ी सी महाभारत की बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए इंडियन एंटरप्रेन्योर आज का अभिमन्यु है। जब पुराने टाइम पे मतलब सतयुग में जब अभिमन्यु था, वो अभिमन्यु चक्रव्यूह में अपने मर्जी से गया था, बाय हिज चॉइस गया था। लेकिन आज की डेट में हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो एक चक्रव्यूह में पैदा ही हुआ है। मतलब वहां पे उसको बैंक्स की भी एक्टिविटीज को देखना है, कॉर्पोरेट को भी देखना है, अपने कंज्यूमर्स को भी देखना, और साथ में गवर्नमेंट नॉर्म्स को भी देखना हो रहा होता है। तो एक चक्रव्यूह में ऑलरेडी ये फंसा हुआ है। गवर्नमेंट यहां पर कर क्या सकती है कि जो गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल में आत्मनिर्भर भारत में फोकस किया है अपने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ को लेकर के, इससे काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है हमारे इस एंटरप्रेन्योर को। और इसी वजह से गवर्नमेंट कहते, इसीलिए राइटर भी कहते हैं कि देखिए वी मस्ट सपोर्ट द एंटरप्रेन्योर एट द एमएसएमई लेवल, क्योंकि यही फिलहाल में इकोनॉमी को रन करेंगे। इसके बाद इनसे पूछा जाता है कि देखिए क्या बैंक भी रिस्क लेने को तैयार है, वेदर बैंक्स वुड पुश क्रेडिट इनटू द सिस्टम, क्योंकि ऑलरेडी एनपीए की प्रॉब्लम फैली हुई है, बैंक्स ऑलरेडी रिस्क में है, बैंक के पास क्रेडिट प्रॉब्लम हो रखी है क्योंकि ट्रांजेक्शन हो नहीं रहे हैं, तो बैंक इज ऑल्सो इन टेंशन, क्या कर सकते हैं। तो फिर हमारे जो राइटर है उनका कहना है कि सरकार ने काफी अच्छा इनको एक मौका दिया हुआ है कि ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट एंड गिव द लोन्स। एटलीस्ट देखिए आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो, एंड बैंक्स आर डूइंग देयर बिजनेस, तो ऑब्वियसली दे हैव टू वापस से एक जो इंजेक्शन होती है चेन की, वो चेन इनको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाकर के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, तभी जाकर के ट्रांजेक्शन चल रहे होंगे। तो हमारे राइटर का यह कहना है कि देखिए बैंक को थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा और अल्टीमेटली इन लोगों को लोन देना पड़ेगा, और जो भी गवर्नमेंट मोराटोरियम वगैरह दे रही है उस मोराटोरियम के थ्रू, विदाउट कोलेटरल के थ्रू इनको लोन देना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर, ज्यादा से ज्यादा जो एंटरप्रेन्योर है, एमएसएमई सेक्टर के जो भी लोग हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा इस लोन का फायदा उठाएं और फायदा उठा करके अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करें, ताकि वापस से ये बैंकों में पैसा आना शुरू हो जाए। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार ये बताइए कि अच्छा स्टॉक मार्केट का क्या सीन हो सकता है। तो हमारे जो राइटर है उनका कहना है कि दिस विल डिपेंड ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द मेडिकल सॉल्यूशन। अगर ड्रग मिल जाती है तो गुड एनफ हो जाएगा, अगर नहीं मिलती हो तो देयर विल बी सम शॉक्स, कुछ भी हो सकता है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी स्टिमुलस विल डिसाइड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ स्टॉक मार्केट, एंड दिस विल डिटरमाइन व्हेन आवर इकोनॉमी बॉटम्स आउट एंड सब्सिक्वेंटली व्हेन आवर मार्केट बॉटम्स आउट। तो इस तरीके से इन लोगों ने बोला है कि देखिए हमारा जो फाइनेंशियल स्टिमुलस है और मॉनेटरी स्टिमुलस है, ये दोनों अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि स्टॉक मार्केट क्या जाने वाली है। जैसे अगर बात करते हैं फिस्कल स्टिमुलस के थ्रू ही अगर बात करते हैं, तो फिस्कल स्टिमुलस में ये होगा कि यहां पर गवर्नमेंट दो तरीके से फायदा पहुंचा रही होगी। एक पहुंचा रही होगी जो इन्वेस्टमेंट के तरीके से पहुंचवा रही होगी कि किसी तरीके से इनके पास पैसा बने, मतलब इनके पास मनी जो है वो इन हैंड आए। अगर इन हैंड मनी आएगी तो ऑब्वियसली दे विल इन्वेस्ट समवेयर। ये इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे कौन, जो भी पैसे लोगों के पास में आए हैं ये लोग स्टॉक मार्केट के थ्रू इन पर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। दूसरा तरीका, इनका एक्सपेंडिचर किसी तरीके से कम किया जाए। इस एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए फिलहाल में जो भी ईएमआई है उसका मोराटोरियम बढ़ा दिया गया, जिससे लोगों के पास अगेन पैसा बचे। तो ये एक्सपेंडिचर साइड को भी घटाने की कोशिश की गई है और इनकम साइड को बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस कोशिश के दौरान में मल्टीपल तरीके लिए गए हैं, जैसे टीडीएस का तरीका लिया गया है, इसके अलावा जो लोगों के इंप्लॉई ईपीएफ हुआ करते हैं उसको भी बढ़ाने की बात की गई है। तो इस तरीके से ज्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करने की बात कही गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक ट्रेडिंग हो सके। और इस स्टॉक ट्रेडिंग में जैसे ही स्टॉक ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगी, वैसे ये अप होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो है हमारी मॉनेटरी स्टिमुलस की, और ये मॉनेटरी स्टिमुलस निकाली जा रही होती है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने क्या किया है कि रेपो रेट को घटा दिया है। इस रेपो रेट को घटाने के कारण से अब मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि बैंक्स नाउ
कैन टेक द लोन फ्रॉम द आरबीआई. पैसा लेगी तो लिक्विडिटी मेंटेन होगी, लिक्विडिटी मेंटेन होगी तो अगेन स्टॉक ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगा. दूसरा तरीका है गवर्नमेंट ने, मतलब कि जो स्टेट्स हैं उनको भी WMAs, वेज एंड मींस, जो भी हमारे कह लीजिए कि ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनको भी 60% से बढ़ा दिया गया है. नाउ स्टेट हैव द कैपेसिटी नाउ टू इन्वेस्ट समवेयर. तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी अपने अंदर में पैसा ले आने की बात कर रही है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी लाने की बात की गई है. लिक्विडिटी आई, स्टॉक मार्केट अपडेट कर गया, अपराइज कर गया. तो इस तरीके से हमारी स्टॉक मार्केट आगे बढ़ सकती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, वेदर द एमएसएमई पैकेज वॉज नॉट वेल रिसीव्ड बाय द स्टॉक मार्केट. क्या होगा अगर ये एमएसएमई की जो पैकेज है वो इस तरीके से रिसीव ना हो कि स्टॉक मार्केट में अल्टीमेटली कुछ इंपैक्ट ले जाए. यहां पर हमारे राइटर कहते हैं कि द मार्केट फॉल कैन बी अट्रीब्यूटेड मोर टू द ग्लोबल डेवलपमेंट. ग्लोबल मार्केट फेल एंड दिस प्रॉब्ली गॉट रिफ्लेक्टेड इन आवर मार्केट. इट कुड ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ हैविंग ऑलरेडी राइजन ऑन द डे पीएम अनाउंस 20 लाख करोड़ पैकेज. जैसे ही 20 लाख करोड़ का पैकेज निर्धारित किया गया था, बताया गया था, स्टॉक मार्केट अपराइज कर गया था. तो इस तरीके से हम लोग ये सोच सकते हैं कि इन केस अगर फ्यूचर में मेडिसिन आ जाती है हमारी कोरोना वायरस की या कोई ट्रीटमेंट आ जाता है तो वी कैन सी द स्टॉक मार्केट की राइज देखने को हमें मिल सकती है. तो काफी अच्छा रहेगा ये चीज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि वेदर द मार्केट रिकवरी इज ब्रॉड बेस्ड एंड वेदर द स्टिमुलस गोज टू प्राइमरली हेल्प टॉप कॉर्पोरेट. क्या ये जो टॉप कॉर्पोरेट है क्या उनको ये स्टिमुलस हेल्प कर रहा होगा? तो देखिए यहां पर पहले देख लेते हैं गवर्नमेंट का राइटर का क्या कहना है. सो द मार्केट हैव बीन एक्सट्रीमली पोलराइज्ड. देयर आर फ्यू स्टॉक्स व्हिच हैव डन वेल. सम इंडिसेस हैव नॉट फॉलन एज मच एज ब्रॉड मार्केट. आई थिंक द पैकेज टुडे इज गियर्ड मोर टुवर्ड्स एसएमई रादर देन लार्ज एंटरप्राइज. तो इस समय जो पैकेज दिया गया वो बेसिकली एसएमईज को दिया गया है, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर को दिया गया है. इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द लार्ज एंटरप्राइज have had worse cash flow mismatch. They do not worry about survivability. They just need some cash flow and that is why they can वापस से rebuy कर सकते हैं. इसमें केस ये है कि जैसे देखिए MSME क्या होती है, वो independent work नहीं कर रही होती है. MSME somehow they are linked to the large enterprises. और जैसे ये large enterprise, जैसे ये MSME अपनी वापस से revive कर जाएगी, वापस से अपनी काम करने लगेगी, तो obviously इसमें अपने आप एक injection मिल जाएगा. इकोनॉमिक इंजेक्शन, प्रोडक्शन इंजेक्शन भी बोल सकते हैं. जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे ही जो हमारे कंज्यूमर हैं अल्टीमेटली उनको बेनिफिट होगा और ये कंज्यूमर वापस से एमएसएमई साइड में आ रहे होंगे. एंड दिस इज हाउ चेन हमारी कंप्लीट हो जाएगी. और जैसे ही चेन कंप्लीट होगी वैसे ही हमारी हर एक सेक्टर को अपना बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा और इस बेनिफिट के जरिए अल्टीमेटली जो हमारी इकोनॉमी है वो रिवाइव कर जा रही होगी. इट इज द एसएमई विच रिक्वायर नॉट ओनली मॉनिटरी स्टिमुलस बट फिस्कल स्टिमुलस. मतलब हमें बेसिकली जो इंजेक्शन करनी है वो इसमें करनी है क्योंकि यहां पर जो एमएसएमई सेक्टर है ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है. मतलब इसमें जो शॉक्स आते हैं वो कुछ ज्यादा ही हैवी शॉक्स होते हैं. लेकिन यहां पर सर्वाइवेबिलिटी का केस नहीं है, यहां पर सर्वाइवल का केस नहीं आता है, यहां पर सर्वाइवल का केस आ जाता है कि हाँ ठीक है अगर इनको इंजेक्शन, इनको अगर इकोनॉमिक पैकेज नहीं मिलता है तो हो सकता है कि डेड कर जाए. तो डेड नहीं होना चाहिए. And this will be a step towards taken by the government. इस तरीके से government को ये action लेना पड़ेगा. And when these SMEs start functioning, credit flow coming into their balance sheet, and they will automatically reinvigorate the economy. इस तरीके से पूरा का पूरा system, ये पूरी chain बना देंगे. अब आगे next question ये आता है कि देखिए हमारे जितने भी मजदूर group है, ये सारे मजदूर group तो या तो महाराष्ट्र में है या फिर गुजरात में है. क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो industries है वो यहीं पर है. अगर ये मजदूर group वापस अपने लोकेशन पे, जो भी यूपी बिहार या जहां से भी झारखंड से अगर आए हुए हैं, अगर ये वापस से अपने लोकेशन को चले आते हैं और इंडस्ट्रीज ओपन हो जाती है तो कैसे इंडस्ट्रीज वर्क करेंगी विदाउट वर्कर? यहां पर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है. राइटर कहते हैं कि देखिए ऑब्वियसली देयर विल बी प्रॉब्लम, क्योंकि लेबर फोर्स नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम तो होनी ही होनी होगी. इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट ने जो बोला हुआ है कि 33% के साथ में प्रोडक्शन करने को, तो प्रोडक्शन 33% के साथ करने को बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग इंडस्ट्री चली आ रही है. क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर देखिए उतना ही लग रहा है, उतनी ही लाइट जलनी, उतना भी प्रोडक्शन होना है. लेकिन क्या है कि अभी लेबर फोर्स घट जाने की वजह से प्रोडक्शन उतना ज्यादा हो नहीं पा रहा है.
तो ओवरऑल जो एक सस्टेनेबिलिटी निकल करके आनी थी वो सस्टेनेबिलिटी निकल के आ नहीं पा रही है, क्योंकि अब एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा हो गया है, इनकम काफी कम हो गया है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया है। तो इस वजह से कहा गया कि देखिए देयर विल बी प्रॉब्लम, यहां पर प्रॉब्लम होने ही वाली है, अनडाउटली इट इज अ पॉइंट ऑफ वरी एंड वी वुड रिक्वायर हरक्यूलियन इफर्ट फ्रॉम एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट एंड सिटीजन। देयर आर ब्रॉडली बेसिकली तीन तरीके का ये मेजर लिए जाते हैं। इन तीनों मेजर में क्या क्या है, एक मेजर है जो बुलाता है साउथ कोरिया मॉडल, एक है हमारा साउथ कोरिया मॉडल, दूसरी जो मॉडल है हमारी वो जापान की मॉडल है, और थर्ड मॉडल है हमारी जो चाइना की मॉडल है। इन तीनों मॉडल के बारे में वन बाय वन करके अगर डिस्कस करें तो देखिए जो हमारी फर्स्ट मॉडल है वो है लॉकडाउन, लॉकडाउन कर देना, चाइना मॉडल नहीं आप कह सकते हो, कोई भी एनी कंट्री मॉडल। यहां पर क्या है लॉकडाउन, लॉकडाउन का मतलब है फुल्ली पूरी तरीके से लॉकडाउन कर देना। इनफैक्ट इसको लेकर के अभी नया प्रोग्राम निकल के आ रहा है 50+30 का, 50 दिन लॉकडाउन 30 दिन वर्क, ऐसा कुछ करने की बात हो रही है, दिस इज अगेन कम्स अंडर लॉकडाउन। दूसरी है साउथ कोरिया मॉडल जहां पर रैंडम चेकिंग हो रही है, रैंडम चेकिंग के दौरान में जो भी पकड़ा जाएगा उसको फिर ले जाकर के स्ट्रिक्ट क्वारंटीन कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में यह काम नहीं किया जा सकता है बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कम्युनिटी स्प्रेड होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से हम ये काम नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो मॉडल होती है वो जापानीज मॉडल होती है। जापानीज मॉडल में ये है कि आपकी जो पब्लिक और प्राइवेट हाइजीन है, साथ में जो आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स वगैरह, वो काफी ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल डेवलप्ड है। इन केस अगर कुछ होता है तो यू कैन डायरेक्टली रेफर टू देयर और वहां से उनका इलाज हो जाएगा। अगेन ये भी हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन टू लॉकडाउन, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है लॉकडाउन। हाँ, कल को जब ओपन होगी इंडस्ट्री देन मजदूरों की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेबर फोर्स की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेबर फोर्स को फिर यहां से यहां पर रिलोकेट करना पड़ेगा, वो देखेंगे कैसे करना है, ये होता है गवर्नमेंट का कहना। इनफैक्ट अभी हम लोग थोड़ी देर में हम लोग एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे जहां पर बोला गया है कि कैसे कंट्री को लॉकडाउन से बाहर निकालना है और कैसे मजदूरों का वीकली टेस्ट करना होगा हमें अगर हमारी इकोनॉमी को चलाना है। यह आर्टिकल लिखा गया उर्जित पटेल साहब के द्वारा जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे। अभी हम लोग इसके इस आर्टिकल के जस्ट बाद हम लोग इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे तो आपको एक ब्रॉड पिक्चर मिलेगा बेसिकली कि क्या करना चाहिए हमें। आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कहा जाता है कि ऑन वेदर देयर इज अ ग्रेट नीड टू गिव फिस्कल सपोर्ट नॉट जस्ट टू इंडस्ट्रीज बट टू लार्जर परसेंटेज ऑफ वर्कर। यहां पर कहते हैं कि देखिए चाहे इंडस्ट्री को आपको प्रोवाइड करना हो चाहे वो वर्कर को प्रोवाइड करना हो, दोनों को प्रोवाइड करना है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, सबसे पहले आपको एक फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिस्कल स्टिमुलस जैसे आत्मनिर्भर भारत में आया है, इस आत्मनिर्भर भारत में काफी हद तक लोगों को, काफी हद तक चीजों को टैकल किया गया है, बट अल्टीमेटली दिस इज अ लोन स्कीम और इसमें करीब 2% ही केवल ऐसी चीजें हैं जो लेबर को दिया जा रहा है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने मनरेगा के लिए दिया गया है, इसके अलावा मनरेगा के अलावा दिया गया जो सफाई कर्मी है इनको भी दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ही ऐसे स्कीम, कुछ ही ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आम लोगों को दिए गए हैं, अदरवाइज मोस्टली इट इज अ इंडस्ट्रियल बेस्ड स्कीम। इस स्कीम कैसा फंक्शन कर रही है, इस फंक्शन को देखने के बाद फिर आरबीआई का काम होगा कि अपने मॉनेटरी स्टिमुलस के जरिए इसमें पैसा इंजेक्ट करें, इसमें मॉनेटरी स्टिमुलस लग जाएगा और इस तरीके से यहां से भी ट्रांजेक्शन को बढ़ाई जा सकती है। लेकिन हमें बेसिकली देखना होगा कि किस तरीके से फिस्कल स्टिमुलस काम कर रहा है, अकॉर्डिंगली आरबीआई हैज टू टेक सम एक्शन। अब यहां पर आ जाती है हमारी जो उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा बनाई गई थी, मतलब इनफैक्ट उर्जित पटेल के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि कैन नॉट अवॉइड यूबिक्यूटस टेस्टिंग कोविड 19 को डू फॉर द बायोमेट्रिक इंडस्ट्री व्हाट द ईयर 2020 स्केयर डिड फॉर द इंडियन आईटी सेक्टर। अब इसमें क्या चीज है, देखिए यहां पर क्वेश्चन यही कहा गया है जो अभी हम लोग इंडस्ट्री वाली बात कर रहे थे कि क्या लॉकडाउन का कोई अल्टरनेटिव है, लॉकडाउन का एनी अल्टरनेटिव। यहां पर हमारे उर्जित पटेल साहब कहते हैं कि देखिए देयर इज एन अल्टरनेटिव, व्हाट वी हैव टू डू इज द मेन ड्राइवर ऑफ इंक्रीज्ड कोविड, हमें कोविड जो हम लोग लॉकडाउन किए बेसिकली वो किए क्यों है, ताकि जनता जो है हमारी सेफ रहे एंड फॉर देम टू फील सेफ वाइल इंगेजिंग इन मार्केट एक्टिविटीज। तो उनको हमें सेफ करना है बेसिकली, उनको हमें कह लीजिए कि कोविड से बचा करके रखना है, साइड रखना है। दिस इज फंडामेंटल फॉर गेटिंग द इकोनॉमी टू मूव ऑन। लेकिन हमें क्या है, अपनी इकोनॉमी को वापस से
मूव कराना है तो वी हैव टू लुक फॉर सम अल्टरनेटिव. व्हाट इज सजेस्ट, ये कहते हैं कि देखिए टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जहां पर 40 मिलियन वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, नियरली 10% ऑफ टोटल इंप्लॉयमेंट ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि यहां पर कोई इंप्लॉयमेंट इस समय बची नहीं है, ना तो कोई बाहर जा रहा है, ना तो कोई हॉस्पिटैलिटी का सीन आ रहा है. हॉस्पिटैलिटी इन द सेंस कि जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर हमारे जो शादी पार्टी वार्टी चीजें होती हैं ऑल दैट, ये सब चीजें. अनलेस इंडियन बिगेन टू एंगेज विद सम ऑफ दीज एक्टिविटीज ऑन रेगुलर बेसिस, दिस कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी एंड दोज हुज लाइवलीहुड आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस सेक्टर कैन नॉट रिकवर, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकता है. तो इसके लिए करना क्या होगा हमें, वी हैव टू ओपन द इकॉनमी, हमें अपनी इकॉनमी को ओपन करना पड़ेगा. इस इकॉनमी को ओपन करने में ऑब्वियस सी बात है कि मजदूर काम करने आएंगे ही आएंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि इनको कोरोना होने का, COVID-19 का हमेशा एक थ्रेट जरूर मेंटेन रहेगा, लेकिन हमें इसके साथ में जीना पड़ेगा. एंड देयर इज ओनली वन थिंग, वी हैव टू मल्टीप्लाई आवर टेस्ट. तो जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हमें लॉकडाउन करना, यह हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा. जैसे फिलहाल में अगर बात करें तो 1 लाख डेली टेस्ट हो रहे होते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, हर दिन 21 टेस्ट पर 1000 पीपल, ये करना पड़ेगा हमें. तो अगर हम लोग 1000 बंदों पे 21 टेस्ट कर रहे होंगे तब जाकर के हमें पूरा का पूरा फिगर मिल रहा होगा, क्योंकि जब हम लोग अपनी अपनी इंडस्ट्रीज को ओपन कर देंगे तो मजदूर वहां पे लगातार आते रहेंगे, उनका हमें वीकली टेस्ट करना पड़ेगा. तो हमारे पास नियरली 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, और इस 1.3 बिलियन पॉपुलेशन का मल्टीपल चेक करना पड़ेगा, और मल्टीपल चेक करने आ जाएंगे तो नियरली 3 to 4 ईयर्स लग जाएंगे. तो हमें करना क्या होगा, हमें रन करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को स्टार्ट करना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि चलिए ठीक है, टेस्ट भी करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ द टेस्ट बड़े हाई है, अब क्या करें. तो देखिए इनका कहना है कि देखिए अभी फिलहाल जो भी 2400, 2500, 3000 रुपए जितने भी लग रहे हैं टेस्ट करने के, वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, और प्लस दूसरा हमारे पास प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं है. अगर हमारी प्राइवेट पार्टिसिपेशन अगर आ जाती है तो देखिए ये जो कॉस्ट है ये घट करके 500 रुपए पर आ जाएगी, और इस तरीके से हम लोग अपना जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है उसको रिवाइव कर लेंगे. दिस अप्रोच नीड मैसिव हायरिंग ऑफ टेस्टर, ट्रांसपोर्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर. इससे होगा क्या कि हमारी नई इंप्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही होगी, पहली चीज. दूसरी चीज, हमारे लैब टेस्टिंग जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी क्रिएट हो जाएंगे, और साथ में हमारा जो हेल्थ सेक्टर वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा. तो एक इमरजेंसी सेक्टर के दौरान में हमारी एक पूरी की पूरी सेक्टर रिवाइव कर सकती है, साथ में हमारा एम्प्लॉयड वर्कर भी आ जाएंगे यहां पर. अब इनको हम कुछ स्किलिंग करा के, स्किल करके हम लोग एक नया नया एम्प्लॉयमेंट का तरीका प्रोवाइड कर सकते हैं. इस एम्प्लॉयमेंट के तरीके को और चेन को मेंटेन करने के लिए हमें बेसिकली इंडस्ट्रीज को ओपन करना ही पड़ेगा. इस इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर आएंगे उनका टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद अल्टीमेटली ये पूरी चेन कंप्लीट हो जाएगी, और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम रन करना शुरू कर देगा. दिस पैंडेमिक कुड डू फॉर द बायोमेट्रिक इंडस्ट्री फॉर द Y2K स्केयर डिड फॉर द इंडियन IT सेक्टर. इंडिया नीड टू गिव एन अनएम्बिगुअस सिग्नल टू इट्स एंटरप्रेन्योर अबाउट द सेंट्रलिटी ऑफ द मिशन. स्किल एंड एंटरप्राइज आर बोथ अवेलेबल. तो हमें क्या बेसिकली इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा, अदरवाइज कब तक हम इस तरीके को लॉक करके रखे रह सकते हैं. तो ये पूरा आर्टिकल हम लोगों ने देखा कि पूरा का पूरा कोरोना के कारण से जो इकोनॉमी शॉक हो रखी है उसको वापस से रिवाइव कैसे करना है. पहले हम लोगों ने अपने एक इंटरव्यू देखी, और दूसरा हम लोगों ने उर्जित पटेल की ये पूरी टेस्टिंग देखी. आगे अगर बात करें तो दूसरी देखिए, रिलीफ एंड रिफॉर्म नाम से राजीव कुमार की ये जो VC हैं, वाइस प्रेसिडेंट बोल दीजिए, ये नीति आयोग के, इन्होंने भी कहा है, इन्होंने बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया है. आत्मनिर्भर भारत, एंड दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पोस्ट कोविड इकोनॉमिक पैकेज है. देखते हैं इसके बारे में क्या बोला गया है, पोस्ट कोविड इकोनॉमिक पैकेज. यहां पर बोलता है कि देखिए 2 मंत्रा फॉर द गवर्नमेंट स्टिमुलस इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. अब यहां पर बेसिकली क्या है कि अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था इकोनॉमिक पैकेज के रूप में, दो चीजें जरूरत होती हैं. एक होती है जिसको हम लोगों ने बोला हुआ है फिस्कल स्टिमुलस, और दूसरी चीज होती है जो मॉनेटरी स्टिमुलस चाहिए होती है. मॉनेटरी स्टिमुलस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो RBI का केस होता है, और यहां पर ये गवर्नमेंट का केस है. गवर्नमेंट ने एज पार्ट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस एक स्कीम लेकर के आया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, इसकी डिटेलिंग को लेकर के सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है. अगर आपको एक डिटेल्ड पर्सपेक्टिव चाहिए 5 डेज की, वो पूरी डिटेल्ड पर्सपेक्टिव आपको
यहाँ पर बताई गई है, बस आपको सर्च आउट करना रहेगा, आत्मनिर्भर भारत रिकॉग्निशन आईएएस डालिएगा, आपको सारी चीजें आ जाएंगी सामने। आते हैं हम लोग वापस से अपने इस रिलीफ एंड रिफॉर्म वाले आर्टिकल पे। यहाँ कहता है कि देखिए ट्विन मंत्रा फॉर गवर्नमेंट स्टिमुलस इन द रिस्पॉन्स ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड हैज बीन टू इंश्योर दैट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ क्राइसिस इज मिनिमाइज्ड स्पेशली फॉर दोज एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। अब देखिए हमारे पास बेसिकली ये पिरामिड है, दिस इज द पिरामिड, जहां पर सबसे नीचे के लेवल पे जो पाए जाते हैं वो होती है लेबर फोर्स, ऊपर में जो आ जाती है वो मिडिल क्लास आ जा रही होती है, और सबसे हायर लेवल पे हमारी हायर क्लास आ जाती है। हायर क्लास को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, लेबर क्लास को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इनके पास में प्रॉब्लम है सर्वाइवल का। न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल दोनों जगह पे आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट हुआ है वो हुआ है हमारा लेबर फोर्स। इसी को रिवाइव करने के लिए हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं दैट विल गो बियॉन्ड रिपेयरिंग द डैमेज टू द प्रोडक्शन कैपेसिटीज एंड टू एनहांस द ओवरऑल सप्लाई रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। इसके लिए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 5 डेज लगातार 20 लाख करोड़ के पैकेज को बताया, हालांकि वो तो एक्सटेंड कर गया, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव के बारे में देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस है और जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसा कहा गया कि इन दोनों से ज्यादा ऊपर ज्यादा भयावह कोरोना क्राइसिस है। इस क्राइसिस को समझने के लिए, इस क्राइसिस से उभरने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिस्पॉन्स के रूप में आत्मनिर्भर भारत लेकर के आए, जहां पर बेसिकली मल्टीपल तरीके से मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए। जैसे पहला अगर बैलेंस बात करें, पहला मेजर बात करें, तो यहां पर सबसे पहले फूड सिक्योरिटी और फार्मर की इनकम को देखा गया है, जहां पर यह बोला गया है कि अगले 2 मंथ तक के लिए इनको फ्री में राइस वीट और चना दिया जा रहा होगा। तो इस तरीके से इनकी दशा को, इनके फूड को, इनके हंगर को कम करने के लिए काम किया गया है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज की गई है वन राशन कार्ड स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड, जहां से अगर आपके पास राशन कार्ड है और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक कहीं जाकर के भी फेयर शॉप से आप राशन ले सकते हैं। तीसरी जो स्कीम की गई है गरीबों के लिए, और वो की गई है मनरेगा, जहां के भी हैं आप वहां जाकर के आइए और वहां पर आपको उतना ही काम दे दिया जाएगा। साथ में जो इनकी प्राइस है, जो 186.87 रुपए हुआ करती थी, बढ़ा करके 202 रुपए कर दी गई है अब। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छा एक मेजर लिया हुआ है, उसको हम लोग देख सकते हैं। दूसरी जो स्कीम ली गई है, दूसरा जो तरीका अपनाया गया है, That is effectively to prevent the pressing crash, cash liquidity crunch from leading to insolvency and bankruptcy. जो भी हमारी MSME सेक्टर की इंटरप्राइज है या फिर जो हमारे छोटे स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो देखिए लोन लेके रखे हुए हैं। अब लोन के लिए बिजनेस तो ये लोग कर नहीं पाए हैं, तो बिजनेस के कारण से ये लोन चुका पाना भी इनके लिए बड़ा फाइटर काम था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनको एक मोराटोरियम प्रोवाइड कर दिया है। मोराटोरियम मतलब कह सकते हैं कि एक बफर टाइम प्रोवाइड कर दिया है कि आप यहां पर होल्ड कर लीजिए, आप 3 महीने बाद जाकर के जो भी आपकी EMI है या लोन है, जो भी आप उसको वापस से उसको रीपे कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी की जो पोजीशन आ सकती थी उसकी सिचुएशन को फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। साथ में बहुत सारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में अमेंडमेंट भी कर दिए गए हैं, जिससे कि जो MSME सेक्टर है उसके ऊपर में इंसॉल्वेंसी कंडीशन ना आने पाए। बाकी इमीडिएट मोराटोरियम वगैरह तो प्रोवाइड किया ही गया है। साथ में 3 ट्रिलियन का एक इंजेक्शन भी दिया गया है, एडिशनल क्रेडिट लाइन दिया गया, वो भी विदाउट कोलेटरल। MSME कुड आल्सो अवेल इक्विटी फ्रॉम 50,000 करोड़ ऑफ फंड, टेक एडवांटेज ऑफ सब्सिडियरी डेप्ट फैसिलिटी अनाउंस बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसके अलावा देखिए स्टेट डिस्कॉम के बारे में भी बात की गई है, क्योंकि देखिए स्टेट डिस्कॉम भी बहुत ज्यादा लोन में घिरा हुआ है और ये भी बहुत ज्यादा लॉस में चला गया है। इनके लिए नियरली 90,000 करोड़ का एक क्रेडिट पैकेज प्रोवाइड किया गया है, एंड इन दिस सेट ऑफ मेजर इट विल प्रिवेंट बैंक्रप्सी ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी एंड पावर प्रोड्यूसर विच विल हैव डिजास्ट्रस रिजल्ट। तो ये इस तरीके से इनको भी रिवाइव करने की कोशिश की गई है, मतलब कि हमारे जो राजीव कुमार साहब है, इनका कहना है कि देखिए अभी तक जो स्कीम गई है वो बेसिकली जिसको जरूरत थी उसको प्रोवाइड कर दी गई है। तीसरा जो सेट ऑफ मेजर है वो डायरेक्टली टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इकोनॉमिक इको कंडीशन ऑफ इकोसिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। तो जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के हो चाहे एग्रीकल्चर के, उनको बेसिकली राहत पहुंचाने के लिए किया गया है। इसमें किया क्या गया है, देखिए
जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं उनके लिए एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के बहुत सारी चीजें की गई हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप कोस्टल एरिया में हैं और अगर मान लेते हैं कि आप मरीन फिशरी वगैरह करते हैं, तो इसके लिए आपका जो भी क्वारंटीन क्यूबिक्स वगैरह है, जो भी आप रजिस्टर करके जो भी रिजर्व करके रखे होंगे, उसके लिए फीस वगैरह नहीं चार्ज की जा रही होगी। साथ में अगर कोई इंपोर्ट आपका फंसा हुआ है तो उसके लिए भी अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा होगा। सिमिलरली एग्रीकल्चर के लिए भी इसी तरीके के मेजर्स लिए गए हैं। लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म टू गिव फार्मर द मच नीडेड फ्रीडम टू चूज देयर क्लाइंट एंड फॉर ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स टू गो टू ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स टू मेंटेन नेसेसरी स्टॉक हैव नाउ बीन अनाउंस्ड। डिफेंस के लिए भी क्या कर दिया गया है कि अब प्राइवेटाइजेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया गया है। इस कॉर्पोरेटाइजेशन में अब जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ करती थी, जो काम कर रही होती थी डिफेंस के लिए, वो अब कॉर्पोरेट तरीके से काम कर रही होंगी, जिससे कि अब उनके अंदर में कंपटीशन बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इनको फाइनेंशियल एक वायबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि अब ये स्टॉक मार्केट में भी आ जाएंगी। तो जैसे ही स्टॉक मार्केट में आएंगी, सीधी सी बात है, इनका कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा, साथ में इनका जो मनी ट्रांजेक्शन है वो काफी हद तक मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो बहुत अच्छी इनको फाइनेंशियल बेनिफिट या कह लीजिए कि फाइनेंशियल इंजेक्शन मिलता रहेगा। फाइनली इन अ मेजर दैट डज नॉट हैव अ लार्ज फिजिकल फुटप्रिंट बट टचेस द लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ मोर देन 50 लाख फैमिलीज, स्ट्रीट वेंडर के लिए भी 10,000 का एक क्रेडिट दिया गया है, जिससे कि वापस से अपनी जो भी वो काम करते हैं वो वर्किंग कैपिटल और स्टॉकिंग वगैरह कर लें। द पैकेज हैज गारंटीड द सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू एनहांस लार्जर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन फॉर बोथ फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक प्लेयर। तो इस तरीके से ये स्कीम के बारे में बता रहे हैं कि कितनी अच्छी स्कीम है और कहां तक ये कितने अच्छे से इसको कह लीजिए कि तैयार किया गया है, प्रिपेयर किया गया है। साथ में यहां पर कुछ और भी इनका कहना है कि देखिए, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे सेवरल मेजर हैव बीन अनाउंस्ड टू लिफ्ट द सैगिंग डिमांड इन द इकॉनमी। तो जो भी डिमांड हमारी घट रही है उसको उठाने के लिए भी बहुत सारी चीजें की गई हैं। इस डिमांड को उठाने का एक ही तरीका होता है, मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करना। लिक्विडिटी को मेंटेन करने का मतलब यह है कि मनी के फ्लो को बनाए रखना। इस मनी के फ्लो को बनाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचता रहे, मतलब इनकी मनी सप्लाई रुके नहीं। इस मनी सप्लाई को न रुकने के कारण से ही हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने अनाउंस टू हाइक कंजम्पशन डिमांड डायरेक्टली एज वेल। दीज आर 1.73 लाख करोड़ फॉर प्रोवाइडिंग द इनकम्स एंड वेलफेयर ऑफ मोस्ट वल्नरेबल। जो भी मोस्ट वल्नरेबल है उनके लिए 1.73 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया गया है। साथ में 20 लाख करोड़ फीमेल को जनधन अकाउंट होल्डर को भी पैसा दिया गया, जहां पर 500 रुपए पर मंथ उनको अकाउंट में आ जाएगा। साथ में जो भी उनका एलपीजी सिलेंडर वगैरह है उसके लिए भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। 50,000 एडिशनल इनकम इन द हैंड ऑफ दोस टीडीएस एंड टीसीएस वर रिड्यूस्ड बाय 25%। तो इस तरीके से टीडीएस और टीसीएस के लिए भी ये पूरा का पूरा प्रोग्राम किया गया है, जिससे कि लिक्विडिटी ज्यादा से ज्यादा मेंटेन रहे। 40,000 करोड़ एडिशनल मनरेगा को दिया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले और पैसा जनरेट हो, लिक्विडिटी जनरेट हो। एंड दिस विल रिटर्न टू देयर विलेज इन द मेट्रो सिटी। 30,000 करोड़ जो दिया गया वो कंस्ट्रक्शन वर्कर को, 17,800 करोड़ दिया गया 12 करोड़ फार्मर्स को, इसी तरीके से अलग अलग तरीके से सबको दिया गया है, जो कि यहां पर डिटेलिंग की गई है, जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। आप समझ सकते हैं कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हर एक सेक्टर को और मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए, डिमांड जो गिर रही हो उस डिमांड को उठाने के लिए पूरा का पूरा पैकेज लाया गया है। इसमें एक ही चीज सोच के की गई है, उसका कोई प्लान बी नहीं है, प्लान ए ही सिर्फ है। और वो प्लान ए है कि मार्केट में पैसा अगर रहेगा तो मार्केट की जो चेन है वो कंटिन्यूड रहेगी। तो वर्क सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, ये दो फेस होते हैं। वर्क सिक्योरिटी मेंटेन किया गया है मनरेगा के थ्रू, और सोशल सिक्योरिटी मेंटेन किया गया है बाकी चीजों के थ्रू। तो बेसिकली अगर आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करें तो देखिए, वर्क सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी ये दोनों ही मेंटेन करने की बात इस पूरे के पूरे स्कीम में कही गई है, अकॉर्डिंग टू आवर राजीव कुमार जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। इसी के साथ साथ देखिए, द हिंदू में भी हमारी स्कीम निकली हुई है, जो पहले चाइना बेटर प्रिपेयर्ड फॉर पोस्ट कोविड वर्ल्ड वॉर के बारे में है। अब यहां पर क्या चीज है इसको जरा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या चीज है। यहां पर देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि आज की केस में सुपर पावर का मतलब ये नहीं है कि कौन कितना स्ट्रांग और कौन कितना ज्यादा डिफेंस के रूप में स्ट्रांग है। आज की डेट में व्हाट डिफाइंस पावर डिटरमाइंस नेशनल स्टैंडिंग इज आल्सो नो लॉन्गर द सेम।
आज की डेट में टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड ट्रेड आर द कंपोनेंट ऑफ न्यू हार्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सुपर पावर वो है जो टेक्नोलॉजी से सुपर पावर हो, कनेक्टिविटी से और ट्रेड से सुपर पावर हो। चाइना के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए, चाइना काफी ज्यादा इस समय सुपर पावर बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी भी है, इसके पास में मार्केट भी है, मतलब कनेक्टिविटी भी है, और साथ में इसके पास ट्रेड भी है। ट्रेड के लिए अगर बात करें तो देखिए, चाइना अफ्रीका एक नया समिट स्टार्ट हो रखा है, जहां पर ये अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रहा है। कनेक्टिविटी के लिए इन्होंने अपना वन बेल्ट वन रोड बना करके ही रखा है, और टेक्नोलॉजी में तो इनका कोई तोड़ ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में तो इनका कोई तोड़ ही नहीं है, आपको भी पता है। तो चाइना ने अच्छा खासा एक होमवर्क करके रखा हुआ है, भले ही वो पोस्ट कोविड के बाद भी अगर देखा जाए तो उसका मार्केट हमेशा तैयार बना हुआ है, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा देश है जो डार्क कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं। इनफैक्ट कई बार इस चाइना अफ्रीका जो मीटिंग है या चाइना अफ्रीका जो रिलेशन है, इसको देखा जाता है नियो कोलोनाइजेशन के रूप में, जहां पर चाइना अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो कर रही होती है, लेकिन साथ ही साथ इससे जो रॉ मटेरियल है और जो कह लीजिए कि यहां का मार्केट एक्सेस है, वो पूरा का पूरा लेकर के रखी हुई है। तो अगर चाइना रॉ मटेरियल पाएगी तो सीधी सी बात है, प्रोडक्शन इनका बहुत ही हाई हो जाएगा, और इस तरीके से ये अपने नियर फ्यूचर में डेप्ट ट्रैप में भी फंसा सकते हैं, जैसे कि श्रीलंका को फंसा के रखा गया और बांग्लादेश को भी फंसा के रखा गया है। तो इस तरीके की चीजें सामने हमें देखने को मिल सकती हैं। हमारे आर्टिकल में सबसे पहले बोला जाता है कि देखिए, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा गिर गया है, और इनफैक्ट ये अपने 30 सालों में सबसे खराब पाया गया है। यही रीजन है कि इंडिया के जो माइग्रेंट वर्कर है वो इस समय हंगर, एमलेस, डिस्पोज्ड माइग्रेंट, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन चाइना के बारे में बात करें तो चाइना में कुछ केस अलग ही चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस पैकेज जरूर दिया है, लेकिन कहने को तो ये 10% ऑफ जीडीपी है, लेकिन एक्चुअल में ओनली एंड ओनली 2% ऑफ जीडीपी है, बिकॉज 8% तो इसमें केवल और केवल लोन मेकिंग है। लोन मेकिंग को हाउ कैन यू कंसीडर इन द फिस्कल स्टिमुलस पैकेज? फिस्कल स्टिमुलस तो केवल उसी को बोल सकते हैं जिससे वो जनता को सोशल बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। लोन देने में कौन सा है? बिकॉज लोन इज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू वापस से इन चीज को इंजेक्ट कर लेंगे, वापस से उस चीज को आप रिकवर कर लेंगे, तो कैसे आप इसको फिस्कल स्टिमुलस बोलेंगे? साथ में गवर्नमेंट ये कहती है कि सेंट्रल्स फाइनेंस आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, इट हैज ऑलरेडी हैड टू रिसॉर्ट टू अ सेकंड ट्रांच ऑफ 1 बिलियन लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक से भी इन लोगों ने 1 बिलियन लोन लेके रखा हुआ, और इस तरीके से अच्छा खासा करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा बढ़ गया है। तो हमारा डबल नुकसान है, एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ गया, दूसरा हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस 20 लाख करोड़ जो लोन पैकेज है। अगर ये फेल करता है तो देयर विल बी इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन, और इसी कारण से हमारी ये पूरा का पूरा आर्टिकल में बोला जाता है कि हमें कुछ सोच समझ के कदम लेना पड़ेगा। हमें ये बजटरी डिस्कशन वाला स्टिमुलस नहीं चाहिए था, हमें एक ऐसा स्टिमुलस चाहिए था जो बेसिकली आम जनता को बेनिफिट पहुंचाए। अ वैलिड क्रिटिसिज्म इज दैट द पैचवर्क ऑफ स्टिमुलस पैकेज रिवील अ डिसजॉइंटेड मोज़ेक ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स दैट दीज वुड बी मोर रिलेवेंट टू बजट डिस्कशन देन अ स्टिमुलस पैकेज। तो इट इज मोर लाइकली अ बजट डिस्कशन, ना कि कोई और चीज। साथ ही साथ में डिफेंस को भी एक तरीके से कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया है, कोल सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, इनफैक्ट मल्टीपल सेक्टर्स आर नाउ बीइंग ओपनड फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, एंड देयर विल बी अ प्रॉब्लम इफ द प्राइवेट प्लेयर स्टार्ट सेलिंग द डेटा। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड मेनी मोर थिंग। व्यूइंग द स्टिमुलस पैकेज वॉज अ पैनिक रिएक्शन टू इंक्रीजिंग डिफिकल्टी सिचुएशन। इसी के साथ साथ में यह भी बोला जाता है कि इट इज अ पैचवर्क ऑफ स्टिमुलस पैकेज वुड इनेबल इंडिया टू रिटर्न अ ग्रोथ रेट ऑफ 7-8%। देखिए, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को फिक्की और एसोचैम और जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले जितने भी हमारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनके साथ में गवर्नमेंट को पहले मिल करके बातचीत कर लेनी चाहिए थी, और अल्टीमेटली तब जाकर के एक पूरा का पूरा रास्ता निकालना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से ही सारे कदम नहीं ले सकती है। बिकॉज जो सिचुएशन इन द कंट्री है वो बिजनेस सेक्टर, जो एंटरप्राइजेस वगैरह हैं, उनके माध्यम से ही हम इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल थिंग अबाउट दिस चाइना। अब जरा देखते हैं चाइना का क्या इसमें रोल है। तो चाइना फिलहाल के लिए जैसा कि अगर बात करें तो देखिए, इट हैज स्टेम ऑफ पॉलिसी ऑफ डेलिबरेट स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेशन रिसीव्ड ओवर द ईयर्स। इसमें क्या है, चाइना ने अपनी एक कम्युनिटी ऑफ कॉमन डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड का एक
प्रोग्राम चला के रखा है जहां पर जितने भी कम्युनिस्ट हैं उनको एक साथ में मिला करके, एक साथ में रख करके वो मैनकाइंड की बात कर रहे होते हैं, जिसमें से अफ्रीका भी एक है जहां पर ये अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च करके रखे हुए हैं। यहां पर चाइना का कहना है कि देखिए, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, दिस हैज इनकम्पासेस पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, फाइनेंशियल एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी एंड इम्प्लिसिटली ऑल्सो सिक्योरिटी टाइज वॉज एन एडजेंट टू इट। द 19th नेशनल कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना देयर आफ्टर गेव इट्स इम्प्रीमैच्योर कंसीडरिंग इट एसेंशियल टू इनेबल चाइना टू अचीव प्री इमिनेंस स्टेटस विद इन द ग्लोबल ऑर्डर। Ever since China has emerged, not only attaining economic, technological progress, but also in defining how power would be determined in the new globalized era through devising new infrastructure, international norm in the many emerging domains such as cyber, space and all that. तो इस तरीके से चाइना ने ऑलरेडी एक बैकग्राउंड अपना एक होमवर्क करके रखा हुआ है जहां पे इसने अपने सारे सेक्टर को लगभग लगभग एक स्ट्रॉन्ग बना करके रखा हुआ है, जहां पर पोस्ट कोविड भी, कोरोना वार के बाद भी अब क्या होगा कि अपनी इकोनॉमी को काफी अच्छे से रिवाइव कर ले जाएगा और इस तरीके से ये वर्ल्ड पावर निकल करके सामने आ सकता है। इसी तरीके से देखिए, एक और हमारी हिंदू की ही आर्टिकल है जहां पर पब्लिक हेल्थ के बारे में बताया गया है कि कैसे पब्लिक हेल्थ को बूस्ट करना बहुत जरूरी है अगर हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। तो शुरुआत में कहा जाता है कि व्हेन द पब्लिक हेल्थ स्नीजेस द इकोनॉमिक कैचेस कोल्ड एंड डायर प्रेडिक्शन फॉर पोस्ट कोविड 19 ग्लोबल इकोनॉमी हैव कम फ्रॉम द IMF विच कॉल्ड द प्रेजेंट क्राइसिस। तो यहां पर बेसिकली कहा गया है कि ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 और 2008 का हुआ था उससे भी बहुत बड़ी भयावह सिचुएशन आकर के रखी हुई है। हमें इस समय क्या करना होगा, हमें अपने हेल्थ की ओर और अपने जूनोटिक डिसीजेस की ओर में हमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है और साथ में हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। इवन ड्यूरिंग द कोविड 19 रिस्पॉन्स अटेंशन have been diverted from maternal and child health care. अब जैसे इस समय की कंडीशन हो रखी है जहां पर कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा कह लीजिए थ्रेट हो गया है, कोरोना वायरस के कारण से बहुत भयावह सिचुएशन आ गई है, इस कारण से हमारा सारा का सारा ध्यान कोविड पे चला गया है, बट स्टिल देयर आर द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स लाइक मैटरनल मोर्टैलिटी, इन्फेंट मोर्टैलिटी, प्राइमरी हेल्थ केयर, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का स्प्रेड होना, अदर इन्फेक्टिशियस डिसीज का स्प्रेड होना, इन सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा अगर हमें फ्यूचर में कोविड टाइप की चीजों से बचना है तो। एंड देयर विल बी एडिशनल हेल्थ वर्कफोर्स नीडेड इवन फॉर दिस लिमिटेड एक्सपेंशन कम फ्रॉम। इसके लिए देखिए कहा यह गया है कि देखिए, आपको अगर अपने हेल्थ सेक्टर को अगर इंप्रूव करना है तो हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने का मतलब ये नहीं है केवल और केवल अपने डॉक्टरी की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। यू हैव टू फोकस ऑन द 3 पिलर। और वो 3 पिलर कौन कौन से हैं? एक तो करना पड़ेगा एजुकेशन को स्ट्रांग, दूसरा स्ट्रांग करना पड़ेगा स्किलिंग को, और तीसरा स्ट्रांग करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट को। तो हमें बेसिकली इन तीनों चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन मेक आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और टू द वर्ल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट 15 फाइनेंस कमीशन जो कि अभी आने वाली है, उसकी रिकमेंडेशन आने वाली है, उसमें यह कहा गया है कि हेल्थ सेक्टर को, पब्लिक फाइनेंस को ज्यादा करना पड़ेगा इन द हेल्थ सेक्टर वाइल फ्रेमिंग इट्स फाइनल रिकमेंडेशन। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट ऑफ मॉडर्न एरा जो हमारे विलियम बंगाल है, इन्होंने कहा कि देखिए, हेल्थ केयर ये कॉस्ट डिसीज नहीं है। मतलब कई लोग हेल्थ को एज अ कह लीजिए कि बर्डन लेते हैं, हेल्थ एज अ इन एक्सपेंडिचर ले रहे होते हैं, बट एक्चुअल में हेल्थ इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, ऑब्वियसली यू आर सेविंग लॉट ऑफ मनी देन एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ सेक्टर। जैसे मान लीजिए कि आप 10 रुपए अपनी किसी एक बीमारी में खर्च कर रहे हैं, यानी आप 100 रुपए बचा ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो बंदा बीमार होता है तो ऑब्वियसली उसका जो कॉस्ट लगा सो लगा, लेबर फोर्स भी उसका गया, उस लेबर फोर्स के कारण से प्रोडक्शन गया और अल्टीमेटली आपका जो भी सेलिंग हो सकता था वो भी गया, तो काफी ज्यादा लॉस हो जा रहा होता है। इस लॉस से बचने का एक ही रीजन है, अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा हमें डेवलप करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग फोकस करते थे उसे हमें अब थोड़ा सा और इंक्रीज करने की जरूरत है। हमें जितना हम लोग डिफेंस में या बाकी चीजों में करते हैं उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। द अल्टीमेट गोल ऑफ द कंट्री शुड बी टू अचीव द SDG गोल। हमें अभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भूलना नहीं चाहिए, हमें इसको फोकस करना चाहिए। देयर इज अ रॉबस्ट
एविडेंस दैट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी केयर पे रिच इकोनॉमिक डिविडेंड अपार्ट फ्रॉम द WHO कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक एंड हेल्थ टू अदर इकोनॉमिस्ट लेड रिपोर्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है कि कुछ कमीशन ने, जैसे WHO कमीशन और बाकी के कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है और वहां पर अल्टीमेटली ये बताया गया कि देखिए अगर हम लोग हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पर बहुत सारा हम लोग अपना इकोनॉमिक ग्रोथ रिटर्न ले रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग अगेन वही 10 रुपए वाली खर्च करके हम 100 रुपए अपना बचा रहे हैं, इस तरीके की चीजों को कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत लोगों ने, इनफैक्ट जैसे कि UN के हाई लेवल कमीशन ने या फिर हमारे फ्रांस ने या हमारे साउथ अफ्रीका ने, सबने बोला हुआ है कि देखिए वी नीड टू मेक आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एज डेवलप्ड एज इट कैन बी। जितना ज्यादा डेवलप कर सकते उतना हमें डेवलप करने की जरूरत है। इनफैक्ट हिस्ट्री हमें बता रही होती है, जैसे हिस्ट्री के दौरान में अगर बात करें, जैसे यूनाइटेड किंगडम UK में वर्ल्ड वॉर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बट स्टिल हम वहां पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके बेसिस पे काफी ज्यादा क्षतिपूर्ति को हेल्थ कवरेज बढ़ा लिया गया था। जापान ने भी सेम काम किया हुआ है 1960 में, यहां पर भी एक बहुत बड़ी महामारी हुई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, जिसके कारण से यहां पर भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसने भी इस पूरी की पूरी सिचुएशन को संभाल लिया था। लेकिन आज की डेट में सिचुएशन नहीं संभल रही है, क्योंकि पहला नंबर इग्नोरेंस हो रखा है, दूसरा नंबर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतने डेवलप्ड नहीं है, इनफैक्ट सिचुएशन की क्राइसिस को देखते हुए उतने इक्विपमेंट्स हमारे प्रिपेयर नहीं है, और उसका रीजन यही है कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टैकल दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो इसी वजह से कहा गया है कि हमें इस तरीके की सिचुएशन को अपना तैयार रहना पड़ेगा, हमें एक अच्छा खासा माहौल बना करके रखना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। काफी हम लोगों ने डिटेल में देखा इंडियन एक्सप्रेस के भी आर्टिकल को और द हिंदू के भी आर्टिकल को। मिलते हैं कुछ इसी तरीके के आर्टिकल के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन राइट अस ऑन recognitionis@gmail.com। इसके अलावा देखिए टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट एंड रेज योर डाउट्स फ्रॉम देयर। हम लोग वहां पर मिलेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।